जनपद बलिया के बगाव गांव में भारतीय समाज पार्टी सोशलिस्ट के तत्वाधान में पासवान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष रामाश्रय पासवान ने सपा बसपा भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कोई भी पार्टी पासवान वर्ग के लोगों का हित नहीं किया है। तमाम पार्टियां केवल धोखा देने का काम करती है। पार्टियों में कोई सम्मान पासवान को आज तक नहीं मिला, जिसको लेकर भारतीय समाज पार्टी सोशलिस्ट का गठन किया गया, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। लगातार पार्टी का विस्तार हो रहा है। सुनिए राष्ट्रीय अध्यक्ष रामाश्रय पासवान ने क्या कुछ कहा। रामाश्रय पासवान, भारतीय समाज पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। कैसा आप लोगों का सम्मान चल रहा है, कैसा सम्मान समारोह है? जैसे कि ये पासवान सम्मान समारोह है, उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में हर दल में मेरे लोग हैं, लेकिन किसी दल ने हमारे समाज के लोगों को एक भी विधानसभा का टिकट ना देके हम लोग को वंचित किया, गुमराह किया। हर दल में लोग हमारे हैं, लेकिन हमारे लोगों को गुमराह किया जा रहा, इसीलिए भारतीय समाज पार्टी सोशलिस्ट का गठन किया गया। कौन लोग गुमराह कर रहे हैं? अन्य दलों के लोग, चाहे भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, हर चाहे सुभाषपा हो, हर जाति यानी हर पार्टी के लोग हमारे लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आ रही है तो पासवान समाज के लोगों को कोई हिस्सेदारी देने की बात नहीं कर रहा। आज का जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन का क्या उद्देश्य है और क्या संदेश देंगे? पासवान समाज को मैं यही कहना चाहता हूँ कि बिहार की भांति उत्तर प्रदेश में पहली पार्टी भारतीय समाज पार्टी सोशलिस्ट का गठन हो गया है, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी लेके अपने समाज के हक हिस्सा अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति के जितने भी लोग हैं पासवान साथ समाज के साथ आकर अपने भाग हिस्सेदारी को लेने का। किसके द्वारा गठन किया गया है इस पार्टी का? रामाश्रय पासवान, उत्तर प्रदेश में 3 जिले के लोग, गाजीपुर, वहाँ देवरिया, कुशीनगर और गोरखपुर के समर्थक से इस पार्टी का गठन किया गया है। यह गृह जनपद है हमारा। हालांकि पहले सुभाषपा में हम रहा करते थे, 7-8 साल राजनीति किए, लेकिन वहाँ भी हम देखे कि भाई वहाँ भी कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती है लोगों को। तो क्या ये आपकी पार्टी डेवलप कर जाएगी, तो क्या लगता है कि पासवानों को अच्छा सुविधा मिलेगा, या फिर ये पार्टी जब विकसित हो जाएगी तो अलग मोड़ ले लेगी? देखिए, जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी, श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहन कुमारी मायावती जी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उसी प्रकार से भारतीय समाज पार्टी सोशलिस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष रामाश्रय पासवान है। और लोग ये कहेला कि जौन राष्ट्रीय अध्यक्ष जौन बिरादरी के बाद लोग कहेला ना कि हसुआ कितनो टेढ़ हो तो अपने और घींची। तो अभी शुरुआत है, देखिए डेवलपमेंट कहाँ तक करती है और समाज का विकास एक दिन जरूर होगा। रामाश्रय जी, आपके अगर समुदाय में देखा जाए तो चौकीदारों की संख्या ज़्यादा है, क्या कहेंगे उन लोग? जी, हमारे समाज में ग्राम प्रहरी भी बहुत ज़्यादा हैं, जो अंग्रेजों के ज़माने से ग्राम प्रहरी का काम कर रहे, ईमानदारी पूर्वक थाने पर संदेश देना और सूचना देने का काम अपराधियों का है, लेकिन इनका जो काम है गुप्त तरीके से, ये 4 दिन थाने पे बुलाया जाता है, जबकि इनका काम चौकीदारों का, ग्राम चौकीदारों का जो काम है ये सिर्फ सूचना देना, लेकिन थानों पे बुला के इनसे बर्तन मंजवाया जा रहा, झाड़ू लगवाया जा रहा, खाना मंगवाया जा रहा, टिफिन मंगवाया जा रहा है, ये बहुत विडम्बना की बात है। और उसके बाद जो होमगार्ड लोग हैं, बाद में इनसे नियुक्ति हुई, PRD के लोगों की बाद में नियुक्ति हुई, आशा की बाद में नियुक्ति हुई, लेकिन इनसे ज़्यादा पेमेंट उठा रहे हैं। मानदेय 2500 रुपया हर महीने का चौकीदारों का है, ग्राम प्रहरियों का, इसमें परिवार चलेगा नहीं। आवाज भी उठा था, फेफना से भी एक खबर आई थी जहां बर्तन उर्तन मंजवाया जाता है जी। तो आवाज उठी थी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या मानते हैं, आवाज उठने के बाद भी हर प्रशासन अधिकारी को जानकारी भी हुई लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्या मानते हैं इसको? इसमें अभी जैसे कि हमारे समाज के लोग अपनी ताकत को नहीं समझ पा रहे हैं, चाहे चौकीदार हो चाहे समाज के नेता हो, अपनी ताकत को जिस दिन समझ जाएंगे। हम चाहते हैं ग्राम प्रहरियों को 4th ग्रेड में लागू करके रेगुलर करके 300 दिन ड्यूटी देके 18,500 रुपये उनकी पेमेंट बढ़ाई जाए,